कबीर नहीं मानो और रन पारथ से ठानो। बरजो करन बीर नहीं मानो और रन पारथ से ठानो। और सूरदेव को सुमरन करके रन को भयो रमानो। और जर्जो धन्य भुजा पूज दई पहरा के रन बानो। और दई ललकार श्याम को तुमका दाऊ जूझ के जानो। और राजन समय राजन प्राण बचे पारथ के समय टरो जी खानो रन करन वीर नहीं मानो। दोस्तों वो ऐसा योद्धा था करण कि जब उसने युद्ध किया भारत में, जब करण ने समर करो घनघोर और नभ में सूरज ढक गए पट के जवान करोड़। कि भारत में जब करण ने समर किया घमसान और नंद नदन रथ ले भगे सुडगन लगे ओ सान। दोस्तों ऐसी यशोदा के लाल ओसा के छाए तीनों लोक में। ऐसे यशोदा के लाल, ऐसे यशोदा के लाल साके छाए तीनों लोक में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नाव दे पट्टा नरेंद्र मोदी को। धीरे से चलिए 50 काट लो। काय मरवा रहा है यार। का नाव आपको है? श्री आटा मिल, श्री जी आटा मिल, आटा को मिल लगो आपको। मैं तो अगले राउंड, अरे अगले राउंड में होता हूँ। बहुत सुंदर। 50 को है, 50 को वापस बिल्कुल। हमें हमारे बाप को देने पा रहे तुम्हारे लाने। अरे आप तो आप हो, सबके बाप हो, तुम्हें कहूँ नहीं पा रहा हो यार। तुम्हें कहूँ नहीं पा रहा हो, तुम्हें जो पा रहा हो सो बांस बल्ली पे जा रहा हो। ब्राजो आप तो ब्राजो महाराज समथर ब्राजो। जय हो सरकार तुम्हारी, जय हो। जिन पे तो काली की छाया है, हमें ऐसी लग रही रानी, जिन पे तो काली की छाया है। रानी कुशवा से कहना है कि रानी कुशवा कुछ ऐसा काम करो कि आज बमहरौली में नाम हो जाए। और थोड़ी सी तुम सर को, थोड़े से हमारे भाई साहब सर के, दोनों का काम हो जाए। लेकिन कहना है, अरे खुदा करे कि किसी को जुदाई ना मिले ब्रजन जी। अरे खुदा करे कि किसी को जुदाई ना मिले। और जो हमारे लोग गीतन में ताली ना बजाए, भगवान करे उसे लुगाई ना मिले। लुगाई ना मिले, जिस फूल में खुशबू ना हो उसे सूंघने में क्या मजा। जिस फूल में खुशबू ना हो, अगर आप लोगों को आनंद आ जाए, हम गहराई में जा रहे हैं, गहराई में जाएं। जिस फूल में खुशबू ना हो उसे सूंघने में क्या मजा। जिन होठों पर लाली ना हो उन्हें चूमने कि चूम लूं होंठ तेरे, दिल की यही ख्वाहिश है। आजा आजा भजिया। जो भी रानी बहुत ही दिल जलो है, आटा है। कि चूम लूं होंठ
तेरे आ रहा है का फिर से आ रहा है आटा मिल वारे वो तो सूजा मुझा संगल है सूजा वो सूत्री देखी वो दद्दा नहीं तुम रानी में गुच्छ दो हमें असली लग रही तुम अपन सूजा गुच्छ पे को फिर रहे हैं कि चूम लू होठ तेरे और दिल की यही ख्वाहिश है और बात ये मेरी नहीं प्यार की फरमाइश है कितनी लगती हो हंसी और मेरी नजर से पूछो आप काहे देख रहे थे ही खेल होगा वो छिज्जा फन नहीं पा रही भुगज्जा को संगल है हम अपनी जुगाड़ में भैया अपनी जुगाड़ में कि चूम लूं होंठ तेरे दिल की भैया भैया हम जुगाड़ काऊ की नहीं लगने लेकिन हम इसलिए देख रहे हैं हम भी अपनी आंखें सेक रहे हैं आप भी आंखें सेक रहे हैं हम इसलिए देख रहे हैं रानी से कहना है कि रानी ये इतना ये लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हारे होंठ तो गुलाब से खिल रहे हैं वाह रानी ये लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी तुम्हारे होंठ तो गुलाब से खिल रहे हैं अरे ऐसे लगता है कि दो फूल आपस में मिल रहे हैं कहते राजेंद्र खुदा ने कलियों को तोड़कर होंठों पर चिपकाया है अरे मेरे दोस्तों होंठ देखकर कई लोगों के कलेजे निकल रहे हैं बमरोली सरकार आ गए धर्मेंद्र ढोलक मास्टर जहां कहीं भी हो कृपया करके आप मंच पर पधारे आइए धर्मेंद्र भैया बहुत बहुत बधाई आपके लिए कहना है रानी ये तुम्हारा चेहरा लाइट मार रहा है इस चमक का असली राज क्या है अरे रानी ये तुम्हारा चेहरा इतना लाइट क्यों मार रहा है इस चमक का असली राज क्या है अरे कौन सा क्रीम लगाती हो बताने में लाज क्या है कहते राजेंद्र इतनी सुंदर लग रही हो कि साए जहां की बेगम मुमताज क्या है लेकिन कहना है जिनके उनके लाने जिनकी शादी नहीं हुई माने रड़ुवन के लाने हैं बिल्कुल हमें ऐसी लग रही है तो सब समड़ो रड़ु के जोई बैठो कुआरे तो परीत होते हैं हाँ वो हम समझ रहे कहना है अरे चावल मत खाना सर्दी हो जाएगी चावल अरे चावल मत खाना सर्दी हो जाएगी और टेंशन मत लेना लेकिन शादी हो जाएगी टेंशन नहीं लियो कहना है रानी अब तो ये मोबाइल का युग है रानी अब तो ये मोबाइल का युग है मुट्ठी में हिंदुस्तान हो गया रानी अब तो ये मोबाइल का युग है मुट्ठी में हिंदुस्तान हो गया अरे 5 साल का पास होकर बच्चा पेट से निकल रहा है 10 साल में जवान हो गया कहते, भरोसा कहते राजेंद्र मोबाइल से नफा नुकसान दोनों हैं अच्छा। कहते राजेंद्र मोबाइल से नफा नुकसान दोनों हैं अरे लेकिन दोस्तों लड़कियों को लड़का पटाना बड़ा आसान हो गया वाह लेकिन कहना है अरे भरोसा रखना हमारी दोस्ती पर राजेंद्र जी भरोसा रखना हमारी दोस्ती पर हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते अरे आप और आपका अंदाज मुझे अच्छा लगा वरना हर किसी को हम अपना बनाया नहीं करते लेकिन रानी से कहना है कि रानी तुम खाओगी आमलेट तो वड़ा हम देंगे अच्छा रानी से कहना है कि तुम खाओगी आमलेट तो अड़ा हम देंगे और तुम्हारी चकिया को भी डड़ा हम देंगे बाप खनी दे पाऊंगे अबे बाप की तो कौन चर्चा नहीं रही अब तो अपने आप की चर्चा हो रही रानी से कहना है रानी तुम खाओगी आमलेट तो अड़ा हम देंगे तुम्हारी चकिया को भी डड़ा हम देंगे कहते राजेंद्र तुम्हारे पास कितनी भैंसे हैं उनको एक पड़ा हम देंगे अच्छा और रानी ने कहा था कि जो हमारे लिए ताली न बजाए उसके लिए लुगाई न मिले दोस्तों जो ताली न बजाए उन्हें लुगाई न मिले कहना है रानी इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ये पाप का घड़ा यहाँ पर क्यों गाड़ा है कहते राजेंद्र जिन लोगों के पास लुगाई ना हो वो रानी से बात कर लें इनके पास लुगाइयों का एक बहुत बड़ा बाड़ा है रानी के पास लुगाइयों का एक बहुत बड़ा बाड़ा है बहुत बहुत धन्यवाद और रानी जी आइए आइए
तीसरा लगा दो, तीसरा लगाओ ना, इनको लोग भी सुनाएंगे। कह रहे थे कि